हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये बहुत प्यारा सा स्ट्रॉबेरी डिजाइन बताने वाले हैं। ये देखने में जितना प्यारा है, बनाने में उतना आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 25 फंदे डाले हैं और फ्रेंड्स मैंने इसकी बेस रो बना ली है। दो सिलाइयां मैंने उल्टी बुन ली हैं। देखिए, अब इसकी डिजाइन की फर्स्ट रो बुनेंगे, एक बिना बुने और दो फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक फंदे के पांच फंदे बनाएंगे। एक बल, देखिए बल वाले तीन हो गए, फिर एक बल, ये चार हो गए और एक बार और बुनेंगे। ये हमारे पांच फंदे बन गए हैं धागा। पांच फंदे बनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, एक और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक और ये दो उल्टे और एक फंदे के पांच फंदे बनाएंगे। तो देखिए, एक बल डाला, दो बन गए, ये तीन फंदे बन गए, एक बल डाला, ये चार फंदे बन गए और एक बार बुन लिया। तो देखिए पांच फंदे बन गए, दो चार पांच, फिर देखिए दो उल्टे फंदे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे। देखिए दो फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदे के पांच फंदे बनाने, एक बल, दो, देखिए पांच बन गए, पांच फंदे बन गए, दो उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे, धागा दो फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदे के पांच फंदे बनाने हैं, एक बल। देखिए हमारे पांच फंदे बन गए हैं, लास्ट के दो फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा भी उल्टा बुनेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो कैसे बुनेंगे, एक बिना बुने, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ के बाद देखिए नौ फंदे हमारे, इसको मिला के दस फंदे हमारे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे, देखिए फिर देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ फंदे फिर से फ्रेंड्स हमारे सीधे आ गए, धागा अपनी तरफ, बस एक फंदा जो उल्टा बुना जाएगा, बाकी सारे सीधे बुने जाएंगे। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने सेकंड रो बुनी है इसी तरह आपने फोर्थ सिक्स एट ये सारी रो आपने उसी तरह बुननी है, बस एक फंदा इसके अंदर उल्टा बुना जाएगा, बाकी सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे सेकंड रो में। अब देखिए थर्ड रो भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। ये देखिए, एक बिना बुने के बाद देखिए
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। नौ फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, नौ फंदे उल्टे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस थर्ड रो को कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा इसमें सिर्फ सीधा बुन रहे हैं, बाकी नौ फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, नौ फंदे उल्टे। इस तरह से मैंने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। और अब फ्रेंड्स देखिए फोर्थ रो कैसे बुनेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखिए एक बिना बुने, और आपने देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यानी नौ फंदे आपके सीधे आ गए, एक फंदा उल्टा। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लूंगी, फोर्थ रो को। देखिए फ्रेंड्स मैंने फोर रो भी कंप्लीट कर रखी है, बस इसके बीच में एक उल्टा फंदा है, ये उल्टा, बाकी सारे सीधे फंदे सीधे आएंगे। फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फिफ्थ रो देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ रो भी बहुत आसान है, बिना बुने। और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, देखिए नौ फंदे उल्टे, इसे मिला के दस, नौ उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरह से फ्रेंड्स मैं फिफ्थ रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई। अब सिक्स रो भी बहुत इजी है, देखिए एक बिना बुने, और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, नौ फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस सिक्स रो को भी कंप्लीट करके सेवन रो में बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। रो भी कंप्लीट हो गई है, अब सेवन रो बुनेंगे। सेवन रो भी बहुत इजी है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, देखिए नौ फंदे उल्टे, एक बिना बुने, नौ फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। बस फ्रेंड्स इसी तरह से मैं सेवन रो को कंप्लीट करके नेक्स्ट बताती हूँ कि हमें क्या करना है। फ्रेंड्स अब हम आठवीं लाइन बुनेंगे। आठवीं लाइन भी बहुत इजी, एक बिना बुने, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ नौ, देखिए नौ फंदे मेरे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। बस इसी तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आठ लाइनें इसमें बहुत सिंपल सी थी वो बुनी है। देखिए ये एक सीधे फंदे की फली चल रही है, ये देखिए ये, और बाकी बीच में सारे उल्टे फंदे हैं, ये देखिए। तो इस तरह हमने आठ लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए नवी लाइन है इसकी, एक बिना बुने, और ये देखिए एक दो, दो फंदे उल्टे, और अब देखिए फ्रेंड्स ये एक ये दो ये तीन चार और ये पांच, देखिए ये पांच फंदे हैं ना आपके, आपने इन पांच फंदों में से धागा पीछे कीजिए, इस तरह धागा पीछे, और इन पांच फंदों को दो तीन चार पांच, देखिए इन पांच फंदों में से आपने फ्रेंड्स क्या, पांच फंदों का आपने एक साथ बुनना है, तो आप इस तरह बुनेंगे तो आराम से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह पांच फंदों में को आपने एक साथ बुनना है, मैंने बुन लिया। फिर देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, और ये देखिए एक
दो दो फंदे उल्टे, फिर देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए सीधी सी जो एक फली जा रही है सीधे फंदे की, आपने अब इसमें डिजाइन डालना है। कैसे डालेंगे ये देखिए, अब इसे पांच फंदे बनाने हैं, एक एक बल, दो बन गए देखिए, तीन, फिर एक बल। तो अब देखिए इस पर अब हमारे स्ट्रॉबेरी का डिजाइन यहां से उठकर यहां आएगा। तो देखिए पांच फंदे बन गए, और फिर इसके बाद देखिए एक दो, दो हो गए। अब इन पांच फंदों को आपने पीछे से सीधा बुनना है इस तरह, देखिए एक दो तीन चार, ये पांच, पांच थोड़ा आप लूज कर लीजिए क्योंकि पांचों में से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम निकाल ही लेंगे इंशाल्लाह। देखिए मेरे पांच फंदे, और आपने देखिए इस तरह से आप डालेंगे तो इंशाल्लाह जरूर निकल जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए यहां से ये लीजिए, ये पांच फंदों में से हमने एक फंदा बना लिया, ये रहा, ये देखिए इसे खींच लीजिए और धागा आगे कीजिए, और एक फ्रेंड्स पांच उल्टे, पांच एक साथ बुन लिए, फिर देखिए दो फंदे उल्टे, ये हमारी नवी लाइन है। दो फंदे उल्टे के बाद देखिए इस फली वाले फंदे के पांच फंदे बनाने हैं, एक एक बल यानी दो, एक बार बुना यानी तीन, एक बल और एक बार बुन के पूरे पांच फंदे मैंने बना लिए हैं। इसके बाद देखिए एक और दो, दो फंदे उल्टे, और फिर देखिए एक, पहले धागा पीछे कर दीजिए, देखिए एक दो तीन चार, और एक और लेंगे यानी पांच, थोड़ा सा लूज कर लीजिए फ्रेंड्स, तीन चार और ये पांच, देखिए पांच हो गए। अब आप इस सिलाई को थोड़ा इस तरह से, पांच फंदे हैं, दो फंदे इधर के, फिर आपने इस तरह से पांचों में से आपने निकालना है, देखिए बुन गया, इसे टाइट कर लीजिए, धागा अपनी तरफ, एक दो, दो फंदे उल्टे, और देखिए अब इस फंदे के पांच फंदे बनाने हैं, फली वाले फंदे के, एक एक बल, दो, फिर देखिए पांच फंदे बन गए, दो चार पांच, फिर देखिए एक और ये दो, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर पांच फंदों के एक फंदा बनाना है, दो तीन चार, दो तीन चार पांच, पांच फंदों का आपने एक जोटा लगाना है यानी कि बुनना है एक साथ इस तरह, देखिए फिर धागा अपनी तरफ, और एक दो और ये तीन, तीनों फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी प्यारी से स्ट्रॉबेरी बन जाएगी, ये देखिए। अब इसकी दसवीं लाइन देख लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स अब दसवीं लाइन कैसे बुनेंगे, ये देखिए एक बिना बुने, और ये देखिए एक और दो, दो फंदे आपने सीधे बुने, और देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए, ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ, नौ फंदे मैंने सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और नौ, नौ फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर नौ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और नौ, नौ फंदे मेरे हो गए सीधे, धागा अपनी तरफ,
एक उल्टा बंदा, धागा पीछे, एक दो, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 10 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं फ्रेंड्स। अब आपने जैसे नीचे बुना था बिल्कुल इसी तरह आपने 6 लाइनें रिपीट करनी है। देखिए कैसे, देखिए एक ये सीधा, ये एक सीधा, 9 फंदे उल्टे, एक सीधा, 9 फंदे उल्टे, इस तरह से मैं 6 लाइनें रिपीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, 10 तो मैंने आपको बता दी थी, ऊपर मैंने 6 लाइनें और रिपीट कर ली हैं, तो ये 16 लाइनें हो गई हैं। देखिए अब 17वीं लाइन कैसे बुनेंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर देखिए, ये एक बिना बुने, और ये देखिए एक दो, दो उल्टे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना हमारा, अब हम जैसे हमने यहाँ बुना था, ये हम अब इसके ऊपर यानी एक फंदों के 5 फंदे बनाएंगे। एक, एक बल यानी 2 बन गए, अब 3 बन गए, एक बल यानी 4, और ये 5। देखिए एक फंदे के 5 बन गए, और अब देखिए ये एक, दो फंदे उल्टे भी आ गए, और अब देखिए 5 फंदों को आपने एक साथ सीधा बुनना है। एक दो तीन चार और ये 5। देखिए इस तरह से 5 फंदे पहले थोड़ा सा लूज कर लीजिए, और पीछे से आपने इन 5ों फंदों को एक साथ बुनना है। देखिए इस तरह, देखिए 5ों फंदों में से मैंने निकाल लिया इजीली, देखिए कितना आराम से निकल गया, और देखिए एक सीधा फंदा बुन लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, और ये देखिए फली वाला जो फंदा है इसके 5 फंदे बनाएंगे। ये देखिए एक, एक बल, 2 फंदे बन गए, अब देखिए 3 बन गए, एक बल, और ये देखिए 5 फंदे बन गए हमारे, 2 4 5, और देखिए फिर 2 उल्टे फंदे, एक और ये 2, 2 उल्टे, फिर इन 5 फंदों को पीछे से सीधा बुनना है, धागा पीछे, एक 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 है ना, इसे थोड़ा लूज कर लिया, और पीछे से स्लाइक डाल के हमने इसका सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह 5ों में से निकाल लिया, ये देखिए, देखिए 5 फंदों का एक कर लिया, फिर ये देखिए एक और 2, 2 फंदे उल्टे, और देखिए जो फली वाला फंदा इसके 5 फंदे बनाने हैं, एक, एक बल, 2, एक बल, देखिए 5 फंदे बन गए मेरे, और अब देखिए 2 उल्टे, एक 2, फिर इसके बाद देखिए इन 5 फंदों को आपने 3 4 और 5, इसे थोड़ा लूज कर लिया, अब देखिए धागा पीछे कीजिए, और इन 5 फंदों को पीछे से एक साथ सीधा बुन दीजिए। ये देखिए इस तरह 5ों में से मैंने निकाल लिया, फिर देखिए धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे फंदे, एक और 2, फिर देखिए फली वाले फंदे के 5 फंदे बनाने, एक, एक बल, 2 बल, देखिए 5 फंदे बन गए, और फिर लास्ट के 3ों फंदे उल्टे बुन दीजिए। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए मेरा डिजाइन तैयार हो गया, स्ट्रॉबेरी डिजाइन, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बस फ्रेंड्स, आपने इन्हीं लाइनों, अब आपने फ्रेंड्स ये 8 लाइनें ऐसी बुननी है। 8 लाइनें कैसी बुननी है, देखिए ये 8 लाइनें उल्टी बुननी है, एक फली वाला फंदा बुनना है, सारा 8 रिपीट करके, फिर बिल्कुल जैसे मैंने नीचे बुना था इसी तरह आपने ऊपर भी बुनना है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये हमारा स्ट्रॉबेरी डिजाइन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।